विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की मजबूत रणनीति, भाजपा जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक। बैठक के उपरांत मोहनलाल बड़ौली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश अध्यक्ष से मोहनलाल बड़ौली ने किया जीत का दावा। स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरी बार बनेगी हरियाणा में भाजपा की सरकार। दूसरी बार बनेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने को लेकर मोहनलाल बड़ौली बोले, कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तारीख जारी करेगा। कांग्रेस की टिकट घोषणा होने से पहले भाजपा अपनी टिकट सूची सबसे पहले जारी करेगी। कांग्रेस में टिकट को लेकर आपसी जूतापजारी है। कांग्रेस जीत के जो सपने ले रही है वह अधूरे रह जाएंगे। कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश को हमेशा से लूट का अड्डा बनाया है। मोहनलाल बड़ौली कब से शुरू करेगा? कल प्रदेश स्तर पर रैलियां चल रही है। कल हमारी बड़ी प्रदेश स्तरीय रैली जींद में होगी, उसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, मैं स्वयं भी रहूँगा और कई बड़े चेहरे जो राजनीति में स्थान रखते हैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये जो ईडी का मामला है, ये एक निष्पक्ष एजेंसी, जो सरकार का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है, वो अपने कानून कायदे के साथ जो कानून के अनुसार काम करती है, ऐसी स्वतंत्र जांच एजेंसी है और अगर वो इस प्रकार की कार्यवाही करती है तो सरकार का उसमें कोई किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होती। अध्यक्ष जी, 55 नामों पर टिकट फाइनल हो चुकी है, क्या 90 की फाइनलिस्ट आएगी या 55 की पहले आएगी? कब तक आना है? ये जो आप अपनी बात को कह रहे हो, अभी मेरे को ही नहीं पता कितनी टिकटें फाइनल हो चुकी हैं, फिगर आप लोग बता देते हो, अपनी बात को हमारे मुंह से कहलवा देते हो। पांच तारीख को कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारी पहली लिस्ट आएगी, क्या भाजपा भी ये दावा कर रही है कि हमारी लिस्ट कांग्रेस का इंतजार तो नहीं कर रही है बीजेपी? हमारे अगर कांग्रेस की 5 तारीख को आएगी तो हमारी लिस्ट उससे पहले जरूर आएगी। सर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही है कि विधानसभा में 90 सीट में जो है कम से कम 70 प्लस सीटों पर हरियाणा में आने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ऐसा कह रहे हैं, क्या करते हैं? वो इस प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं और कांग्रेस की जो झूठ थी वो एक बार बिक चुकी है, काट की हांडी एक बार चढ़ती है और कांग्रेस से जो सपने ले रही है वो सपने अधूरे रह जाए। सर लगातार भ्रष्टाचार के मामले जो है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस ने हमेशा से ही हरियाणा प्रदेश को भी लूट का अड्डा बनाया, प्रदेश को लूटने का काम किया और जिस प्रकार का राज कांग्रेस ने किया है, जो कारनामे उन्होंने किए हैं उसी का ये परिणाम। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।